So hello friends, welcome to my YouTube channel Infinite Knowledge, and today we are talking about how you are able to count a number of zeros and ones in a byte stored in external memory location. तो ये जो प्रोग्राम है उसमें आपको क्या करना है कि कोई एक्सटर्नल मेमोरी लोकेशन है, तो एक्सटर्नल मेमोरी लोकेशन कितनी है, 16 बिट। एक्सटर्नल मेमोरी कैसी होती है, एक्सटर्नल मेमोरी की रेंज कितनी होती है, 0000 हेक्स टू FFFF है। तो ये लोकेशन हमको ऑलरेडी प्रोवाइड की है, वो लोकेशन ऊपर कोई एक डेटा अवेलेबल है, वो डेटा कौन सा है, 52 हेक्स है। अभी आपको क्या करना है कि ये लोकेशन ऊपर जो डेटा अवेलेबल है वो 52 हेक्स में कितने जीरोस है और कितने वंस है वो आपको काउंट करके दिखाना है। तो वो आप कैसे दिखा सकते हो, तो पहले ये तो 52 हेक्स है, जीरोस और वंस, जीरोस एंड वंस वो कब आता है, जब हम बाइनरी में डेटा की बात करें। तो पहले तो आपको 52 हेक्स को बाइनरी में करना पड़ेगा, तो वो कैसे कर सकते हो, तो आपको पता होगा कि 8421 वाली मेथड है, 8421 ऐसा लिखने का, उसके बाद आपको क्या करने का, ये 5, तो 5 कैसे बनता है, 4+1 5 बनेगा, 4+ ये वाला 1 5 बनेगा, ये दो की जरूरत नहीं है, तो ये दो को मैं 0 कर देता हूँ। तो ये 5 को मैंने 4 बिट से रिप्रेजेंट कर दिया, 0101 कैसे बनेगा, 4+1 5 बनेगा। अभी 2, तो 2 कब बनेगा, ये 2 दिया है ऑलरेडी, तो ये 2 बन गया, बाकी सबकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं उसको 0 कर दूंगा। तो मतलब 52 हेक्स को मैं कैसे लिख सकता हूँ 8 बिट में, 5 के लिए 0101, 5 के लिए 0101 और 2 के लिए 0010, 0010। तो अभी आप देख सकते हो कि इसमें 1 कितने प्रेजेंट है, इसमें 1 कितने हैं, 1 2 3, 3 1 है और 0 कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 0 है, 1s and 0s। मतलब अभी आपको प्रोग्राम के थ्रू ऐसा फाइंड करना है कि ये वाले नंबर में 1s 3 है और 0s 5 है। तो अभी हम इसको प्रोग्रामिंग के थ्रू देखने वाले हैं, समझने वाले हैं कि कैसे प्रोग्रामिंग के थ्रू हम ये फाइंड कर सकते हैं। यहाँ कोई भी एनी रेंडम डेटा हो सकता है, अभी 52 हैक्स है तो 52 में 3 1 है और 5 0 है। तो अभी हम प्रोग्रामिंग के थ्रू समझने वाले हैं कि कैसे आप इसको फाइंड कर सकते हो, और एनी नंबर, फॉर एनी नंबर, ऐसा नहीं है कि 52 हेक्स के लिए ही आपको फाइंड करना है, प्रोग्राम तो कोई भी नंबर के लिए बनाना पड़ेगा ना, ये नंबर के लिए थोड़ी बनाओगे। तो स्टार्ट करते हैं, पहला इनिशियलाइजेशन ORG 0000 हेक्स इनिशियलाइज किया, उसके बाद कौन से इंस्ट्रक्शन है, मूव R0 00 हेक्स, उसमें भी 00 हेक्स ऐड किया। ये क्यों ऐड किया, फाइंडिंग वंस, ये वंस मतलब कितने वन है, कितने वन प्रेजेंट है, फॉर काउंटिंग नंबर ऑफ वंस, वन कितने प्रेजेंट है वो काउंट करने के लिए हम एक काउंटर के तरह यूज करते हैं, R0 को एज अ काउंटर यूज करते हैं, इसके कारण उसने 00 ऐड किया है। सेम 0 फाइंड करने के लिए R1 को काउंटर तरीके यूज करेंगे, फॉर जीरो, फॉर काउंटर, फॉर काउंटिंग नंबर ऑफ जीरो, एक 1 के लिए 0 के लिए, तो 0 के लिए फाइंड करने के लिए R1, 1 के लिए R0, ऐसा कोई फिक्स नहीं, आप यहाँ R1 ले सकते हो, यहाँ R0 भी ले सकते हो। उसके बाद क्या करेंगे, अभी आपको पता है कि ये वाली मेमोरी लोकेशन पर डेटा अवेलेबल है, तो अभी कौन से इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे हम, ये 16 बिट लोकेशन है, ये 16 बिट लोकेशन के लिए हम क्या यूज करेंगे, 16 बिट रजिस्टर का यूज करेंगे, 3200 हेक्स। क्यों DPTR रजिस्टर का यूज करते हैं, क्योंकि DPTR रजिस्टर 16 बिट रजिस्टर है, आप सिंपल 8 बिट रजिस्टर का यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये हमने लोकेशन नहीं ऐड की, ये अभी हमने डायरेक्टली डेटा ऐड किया है, अभी हम इसको एज अ DPTR लोकेशन के तरह यूज करेंगे। अभी इसके आगे क्या करेंगे, मूव R2 08 हेक्स, ये हमने क्यों यूज किया क्योंकि टोटल जो डेटा अवेलेबल है वो कितने बीट है, 8 बीट है। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इसको रोटेट लेफ्ट करेंगे, रोटेट लेफ्ट विथ कैरी, मतलब ये जो डेटा है वो टोटल ऐसे
ऐसे 8 बिट में आ जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और यहाँ पे हमारी क्या आएगी, कैरी आएगी। तो ये मैं डेटा लिख देता हूँ, तो क्या ऐसे लिख सकता हूँ 0101 0010। तो ये हमारा ये डेटा है। अभी मैं जब RLC रोटेट लेफ्ट इंस्ट्रक्शन का यूज़ करूँगा, तो ये 0 इधर चला जाएगा, ये 1 इधर आ जाएगा, क्योंकि हम RLC रोटेट लेफ्ट थ्रू, रोटेट एक्यूमुलेटर लेफ्ट थ्रू कैरी, इसको क्या बोलते हैं हम, रोटेट एक्यूमुलेटर लेफ्ट थ्रू कैरी। तो ये लेफ्ट जा रहा है, ये एक्यूमुलेटर का कंटेंट है, वो लेफ्ट जा रहा है, ये यहाँ आ जाएगा, ये 0 यहाँ आ जाएगा, ये 0 यहाँ आ जाएगा, ये 1 यहाँ आ जाएगा, और ये 0। और ये जो भी कैरी में होगा, कैरी में कोई भी डेटा रैंडम होगा, वो कहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ आ जाएगा। तो ये कितने बार हम मूव करवा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 टाइम्स, टोटल 8 टाइम्स करवा रहा है, क्योंकि 8 डेटा है। इसके कारण हमको रोटेट कितनी बार करवा रहा है, 8 टाइम्स करवा रहा है, 8 बिट डेटा के कारण। उसके कारण हमने इधर 08 एच ऐड किया है। अभी आगे कौन सी इंस्ट्रक्शन आएगी, पहले इसको रफ कर देते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड अप टिल दिस, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ऐसा मैं सोच रहा हूँ। अभी आगे क्या करना है, हमें मूव करना है, मूव एक्स द कंटेंट ऑफ ए इंटू डीपीडीए। अभी ये मूव एक्स का यूज क्यों किया, क्योंकि हम अब एक्सटर्नल मेमोरी के साथ डील कर रहे हैं, ये एक्सटर्नल मेमोरी लोकेशन, हमको प्रोग्राम में ऐसा बोला है कि ये एक्सटर्नल मेमोरी लोकेशन। तो जब भी हम एक्सटर्नल मेमोरी लोकेशन के साथ डील कर रहे होते हैं, तब हमको मूव एक्स इंस्ट्रक्शन का यूज़ करना पड़ता है। तो ये क्या करेगा, DPTR अभी कहाँ पर पॉइंट कर रहा है, DPTR में क्या है, अभी DPTR में 3200 हेक्स है। तो मतलब ये क्या इंस्ट्रक्शन क्या दिखाई दे रहा है, कि जो भी DPTR की लोकेशन, मतलब जो भी ये लोकेशन पे DPTR में क्या है, 3200 हेक्स है, और ये एट द रेट क्या डिफाइन कर रहा है, कि वो लोकेशन पे जो डेटा हो वो एक्यूमुलेटर में आ जाए। एट द रेट क्या डिफाइन कर रहा है, DPTR में हमारा 3200 है, DPTR में हमने ऑलरेडी 3200 हेक्स डाल दिया है। अभी ये इंस्ट्रक्शन क्या डिफाइन कर रहा है, कि ये जो लोकेशन है ये कैसे डिफाइन करेगा लोकेशन, ये एट द रेट, ये एट द रेट क्या डिफाइन करेगा, कि ये लोकेशन पे जो डेटा है, मतलब 3200 हेक्स लोकेशन पे जो डेटा है, वो कहाँ चला जाएगा, एक्यूमुलेटर में चला जाएगा। मतलब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने के बाद हमारा एक्यूमुलेटर कुछ ऐसा मिलेगा। क्यों ऐसा मिलेगा, क्योंकि ये हमारा लोकेशन पे पॉइंटिंग कर रहा है, और वो लोकेशन का डेटा हमारा एक्यूमुलेटर में आ जाएगा, क्योंकि मूव एक्स इंस्ट्रक्शन का यूज किया। अभी इसके आगे क्या करेंगे, इसके आगे हम रोटेट लेफ्ट एक्यूमुलेटर RLC एक्यूमुलेटर, अभी मैंने पूरा यहाँ पे ड्रॉ किया था कि वो लेफ्ट कराएंगे एक्यूमुलेटर को, कितने टाइम करवाना है, 8 टाइम करेंगे। तो एक बार लेफ्ट कराएंगे, तो अभी क्या होगा, कि फिर से मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ वो ड्रॉ करके। तो हमारे डेटा कौन से है, 0 0 1 0 1 0 0 1 0, तो टोटल कितने बाइट हैं। अभी एक बार RLC और यहाँ पे कोई भी कैरी होगी, तो कैरी अभी कंसीडर कर लेते हैं, 0 कर देते हैं, चलो कैरी को 0 कर देते हैं, CL क्लियर कैरी। तो अभी ये कैरी हमारा 0 हो गया। अभी मैं पहली बार जब RLC ए इंस्ट्रक्शन का यूज़ करता हूँ, तो वो क्या करेगा, ये डेटा यहाँ पे आ जाएगा, ये डेटा यहाँ पे आ जाएगा, ये डेटा यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, और ये जो डेटा था वो यहाँ पर चला जाएगा। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, कि ये 1 इधर आ जाएगा, ये 0 इधर आ जाएगा, ये वाला 0 इधर आ जाएगा, ये 1 इधर आ जाएगा, ये 0 इधर आ जाएगा, ये वाला 1 इधर आ जाएगा, ये वाला 0 इधर आ जाएगा, ये वाला 0 इधर आ जाएगा, ये वाला 1 0, और फिर से ये वाला 0। तो एक बार मैं RLC यूज़ करता हूँ, तो मुझे कुछ ऐसा डेटा मिलता है, ये हमारा कैरी में और ये हमारा एक्यूमुलेटर में डेटा स्टोर होता है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या हुआ, कि एक बार RLC यूज़ करने से हमारे डेटा में ये चेंज आता है। अभी दूसरी बार मैं करता हूँ जंप इफ नॉट कैरी, मतलब यहाँ पे अभी कोई कैरी जनरेट नहीं हुई, तो कोई एक लोकेशन L2 पे वो जंप कर देगा, मतलब यहाँ ले लेते हैं, आपको इधर नीचे लिखना है, लेकिन यहाँ पे जगह नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ।
एल टू। अभी जंप इफ नॉट कैरी, मतलब यहां पर कोई कैरी जंप कैरी नहीं आई तो हम जंप कर देंगे, लेकिन जो कैरी आई, कैरी हमारी आई तो क्या करेंगे, हम इंक्रीमेंट करेंगे आर जीरो को। अभी आर जीरो को क्यों इंक्रीमेंट कर रहे हैं, कैरी आई, कैरी आई उसका मतलब क्या हुआ कि इधर वन आया। कैरी फ्लैग कब सेट होगा, जंप इफ नॉट कैरी, मतलब सी इज इक्वल टू जीरो तो वो इधर जंप कर देगा, कैरी नहीं है मतलब यहाँ पे जीरो है। लेकिन जब कैरी आई मतलब सी इज इक्वल टू वन तो यहाँ पर जंप नहीं करेगा, यहाँ पर वन आया, यहाँ पर वन आया ऐसा आप कंसिडर करो, मतलब दूसरी बार जब रोटेट होगा तब यहाँ पर वन आ जाएगा, क्योंकि अभी ये यहाँ पर जाएगा, ये यहाँ पर जाएगा, ये यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, ये जो है वो यहाँ से यहाँ आ जाएगा। आर एल सी का यूज करते हैं इसीलिए वो लेफ्ट साइड मूव कर रहा है, रोटेट एक्यूमुलेटर लेफ्ट थ्रू कैरी। तो यहाँ पर जब तीसरी बार जब आर एल सी होगा वो क्यों होगा, ये रिपीट होता जाएगा, कब तक रिपीट हो जाएगा, 8 बीट डेटा है मतलब ये 8 टाइम रिपीट होता जाएगा लूप, वो अभी आगे बताओगे कैसे रिपीट हो रहा है। लेकिन जंप इफ नॉट कैरी एल टू, मतलब जंप इफ नॉट कैरी देन एल टू, लेकिन जंप इफ कैरी, कैरी आया मतलब यहाँ पर वन आया, तो वन हम कहाँ पर काउंट कर रहे हैं, फॉर काउंटिंग भी वन नंबर ऑफ वंस, तो वो आर जीरो में काउंट करे, तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इंक्रीमेंट आर जीरो फॉर काउंटिंग दी वंस। उसके बाद क्या करना है, इसको फाइनली कहाँ पर स्टोर करेंगे, तो पहले उसको मैं एक्यूमुलेटर में स्टोर कर देता हूँ और उसके बाद एक रजिस्टर में स्टोर कर देता हूँ, वो आर थ्री है हमारा, मतलब जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो आर थ्री में हमें नंबर ऑफ वंस दिखाई देंगे और आर फोर में जीरो दिखाई देंगे, मतलब फाइनल आंसर हमें ये दो रजिस्टर के ऊपर मिलेगा, क्योंकि हमने उसको एक्यूमुलेटर का जो कंटेंट है वो आर थ्री में स्टोर कर दिया, मतलब आर थ्री में हमारा फाइनल नंबर ऑफ वंस मिलेगा। लेकिन अभी ये लूप रिपीट हो रहा है, मतलब यहाँ से हमने जंप एल टू पे किया, ये कब करने का, जब यहाँ पे वन आया था, जंप इफ नॉट कैरी, यहाँ पे वन नहीं आया जीरो आया, तो यहाँ से जंप करेगा और डी जे एन जे डिक्रीमेंट एंड जंप इफ नॉट जीरो, किसको डिक्रीमेंट करवाना है, इस वाले को आर टू को, देन एल वन, मतलब यहाँ पर जंप करेंगे, आई थिंक सो एल वन यहाँ पर ही जंप करेंगे और फिर से ये आर एल सी ये करेगा, रोटेटर एक्यूमुलेटर है, दूसरी बार करेगा, तीसरी बार करेगा, चौथी बार, मतलब ये यहाँ पे आ गया, यहाँ जीरो आ गया, यहाँ वन आ गया, जीरो जीरो वन जीरो 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 ऐसा हो जाएगा। अभी फिर से एक बार रोटेट होगा, ऐसे कितनी बार रोटेट होगा, टोटल 8 टाइम रोटेट, क्यों 8 टाइम रोटेट होगा, क्योंकि ये 8 बिट डेटा है, टोटल 8 टाइम्स रोटेट होगा और फाइनली हमें आफ्टर इतना प्रोग्राम लिखने के बाद, यहाँ तक लिखने के बाद हमको आर थ्री में वन मिल गया, हमको आर थ्री में वन मिल गया यहाँ तक प्रोग्राम लिखने के बाद, मतलब अभी हमने क्या फाइंड की, क्या फाइंड कर लिया है कि हमारे पास वंस कितने, ये डेटा में 52x में ये जो डेटा है उसमें वन कितने है, थ्री, तो थ्री हमको कहाँ मिलेगा, ये रजिस्टर का आर थ्री इज इक्वल टू जीरो थ्री हैक्स ऐसा दिखाएगा अप टू दिस। अभी हम आर फोर अभी जीरो के लिए फाइंड करते हैं, तो उसके लिए मैं इधर लिखता हूँ, ये प्रोग्राम कंटिन्यू है, आपको यहाँ नीचे लिखना है, इसके बाद लिखना है, वो यहाँ से लिखना है, तो उसके बाद पहले क्या करेंगे, फिर से मूव ए कोमा जीरो एट एक्स करेंगे, क्यों, क्योंकि 8 बिट डेटा है। अभी हम क्या फाइंड कर रहे हैं, जीरो कितने हैं वो फाइंड कर रहे हैं, वंस कितने हैं वो हमको मिल गया आर थ्री रजिस्टर में, अभी जीरो कितने था है वो फाइंड करके आर फोर में डालना है, तो वो अभी हम डाल रहे हैं। उसके बाद क्लियर कैरी करेंगे, कोई भी कैरी हो वो जीरो हो जाएगी, आपने बोला यहाँ पर किया है सी एल आर सी, ओके सी एल आर सी, सी एल आर सी इंस्ट्रक्शन का यूज करना है फॉर क्लियर कैरी। इसके बाद क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, अभी सब्ट्रैक्ट क्यों करते हैं हम, ए को किसके साथ, आर थ्री के साथ, मतलब आपको पता है कि टोटल डेटा 8 है, उसमें से आपने कितने फाइंड किए, वंस के लिए कितने हैं, तीन है, तीन वंस है, तीन वन है, तो बाकी कितने रहे,
पांच जीरो हो गया, तो डायरेक्ट सबट्रैक्ट करके हमको मिल गया। आपको पता है कि टोटल एट डेटा है, एट में से वन कितने है, जीरो कितने है, तो वन कितने वो हमने ऑलरेडी यहाँ से फाइंड किया कि हमको मिल गया तीन है, तो मैं सबट्रैक्ट करूँ तो मुझे पांच आंसर मिल जाएगा। तो ये जो आंसर मिला वो कहाँ स्टोर होगा, हमको कहाँ स्टोर करवाना है, आईफोन में स्टोर होगा। लेकिन सबट्रैक्ट करने के बाद जो आंसर स्टोर होगा वो कहाँ स्टोर होता है, एक्यूमुलेटर में स्टोर होता है। तो मूव द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर टू R4 एंड इसके बाद आपको पता चल जाएगा कि हमारे R4 में पांच आ गया, मतलब ऐसा हमको आंसर मिलेगा। और वो आंसर क्या डिफाइन कर रहा है कि R3 में तीन वंस है और R4 में पांच जीरोज है, ये टोटल करते हैं तो एट। तो आप इधर देख रहे हो कि तीन वन है और जीरो कितने हैं, पांच, एक दो तीन चार पांच। तो ये डेटा के लिए ये आंसर हमको R3 और R4 रजिस्टर में मिलेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। इफ यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल इनफाइनाइट नॉलेज एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू हैव स्टिल एनी क्वेरी जस्ट कमेंट इट, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई।